अगर हमारे पंजाबी में किसी को बोलेंगे इसका नाम थुक्पा है तो वो नाम सुन के ही नहीं खाने वाला है, बट जेन्युइनली ये इतना टेस्टी है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीयू टीवी। मैं हूँ तेजस और हमारा दूसरा दिन चालू हो चुका है। अभी बज रहे हैं सुबह के 3:50 और हम निकल रहे हैं अभी एयरपोर्ट के लिए। मैं अपना सामान अभी नीचे रिसेप्शन में ड्रॉप करने जा रहा हूँ क्योंकि अब मैंने कैब बुलाई है, तो मैं आपको एयरपोर्ट पर जाकर मिल जाऊँगा। अभी हम अमृतसर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, बट यहाँ पर फिल्मिंग ज़्यादा अलाउड नहीं है, तो जहाँ पर भी जाके मैं फिल्मिंग कर सकूँ, मैं रिकॉर्ड कर सकूँगा, तो मैं आपको वहाँ पर मिलता हूँ। यार ये टर्मिनल कितना बड़ा है, हम लोग T3 पे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, और इतना बड़ा, हम कम से कम अभी 5-7 मिनट हो गए, हम चल ही रहे, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, हमें पता ही नहीं है कि, मतलब दिख ही नहीं रहा है कि अराइवल गेट है कहाँ। एक्चुअली बहुत बड़ा एयरपोर्ट है यार ये, मतलब चल चल के भी पैर दुख गए हैं। अभी हमें यहाँ पर एयरपोर्ट लाउंज में एक्सेस मिल गया है और जस्ट एट अ वेरी नॉमिनल फी ऑफ ₹2, और यहाँ पर लाउंज में खाना वाना सब फ्री होता है, तो अभी हम थोड़ा खाते हैं और फिर थोड़ा आराम करते हैं। और यहाँ पर अभी हमने लाउंज में मंगाया, मैंने एक डोसा मंगाया मेरे लिए और तो ये पनीर है, क्रोसॉन और फ्रूट बॉल मंगाया। तेजल मैडम तो सो रही है, मैं यहाँ बैठ के सामान की रखवाली कर रहा हूँ। आप आराम से आ सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं बैठ के, क्योंकि यहाँ पर सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है कंपेयर टू द टर्मिनल सीट्स। तो आप आइए और यहाँ पर बस आराम कीजिए। तो अभी हम बाहर निकल चुके हैं ये प्लाजा प्रीमियम लाउंज से, बहुत ही अच्छा लाउंज है, और कौन बोलता है ₹2 में आजकल कुछ नहीं मिलता है। अगर आप प्रीमियम लाउंज में आ रहे हो तो आपको खाना, आराम, सब कुछ कर सकते हो आप यहाँ पर, और अनलिमिटेड फूड है यहाँ पर, कोई एप्लीकेबल चार्जेस नहीं है। अगर आपके पास आपका कार्ड सपोर्ट करता है कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। पाचेस के फर्स्ट फ्लोर पर है ये लाउंज, तो आप जब भी, अगर आप दिल्ली इंटरनेशनल T3 एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और एक चीज़ जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है, तो हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है ले, हम जा रहे हैं ले लद्दाख, और हमने बहुत कुछ प्लान किया वहाँ पर, बहुत सारा एडवेंचर प्लान किया है, वो आपको आने वाली वीडियोस में दिख जाएगा। अभी हमारी फ़्लाइट है 10:50 की और अभी बोर्डिंग टाइम चालू हो चुका है, तो हम अभी बोर्डिंग टाइम हम फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं।
से एलियन बना दिया, अब इस बार तो सच में हम जा रहे हैं मून लैंड जा रहे हैं। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड एज मून लैंड, तो हम लिटरली इस बार हम स्पेस में ही जा रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। ऊपर से बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं, तो पूरी फ्लाइट यही कर रही है, सब लोग यही कर रहे हैं। Ladies and gentlemen, we have arrived in Leh. You are free to use your mobile phones now. Please remain seated until the aircraft comes to a complete stop and the seatbelt sign is switched off. Welcome to the land of high passes. झूले झूले लद्दाख। अभी हम जा रहे हैं हमारी गाड़ी की तरफ और हमें लेने के लिए ये भाई साहब आए, ये हमारी गाड़ी है और सामान लोड करेंगे। एंड वेलकम टू द लैंड ऑफ हाई पासेस। ऐसा ही वहाँ से थोड़ा सा ये ऊपर आए हैं और हमारी ऑलरेडी सांस फूल गई है क्योंकि हम चल के आए हैं, क्योंकि ये हायर ऑल्टीट्यूड है, बहुत ज़्यादा हायर ऑल्टीट्यूड है, तो ऑफकोर्स आपकी सांस फूलेगी यहाँ पर, तो ध्यान रखना पड़ता है। हमारा पहला आर्मी ट्रिप, यह अभी बहुत कॉमन होने वाला है ये ट्रिप पे। वेदर ऐप पे हम चेक कर रहे थे तो तभी हमें बता रहे थे कि यहाँ पर 8 degrees Celsius होगा, बट यहाँ पर आकर ऐसा फील नहीं हो रहा है, प्रॉबेबली बिकॉज अभी धूप बहुत ज़्यादा है, शाम होते होते और थोड़ा वेदर ठंडा हो जाएगा, तो लेट्स सी। जो फ्लेक्स होते हैं ना, ये आपने देखा होगा ये वाला जो फ्लेक्स है इस पर होते हैं वही। अच्छा, इस पर लिखा था ओम बनने पड़ने। अच्छा अच्छा, तो अभी स्टेंजन भाई हमें बता रहे थे कि जो वो ऐसे बेल जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में, उसे मने कहते हैं, और जब वो क्लॉकवाइज घुमाते हैं और उस पर एक मंत्र बोलते हैं, वो मंत्र है ओम मने पद्मे हूँ। तो अभी अगर हम लोग अभी जब नीचे जाएंगे वापस, अभी हम फिलहाल होटल की तरफ जा रहे हैं, अगर हम वापस नीचे जाएंगे शाम को तो हम मनी के साथ एक वीडियो निकालेंगे और वो मंत्र भी बोलेंगे। ये है हमारा होटल, होटल ग्रैंड लद्दाख। अभी हमने हमारे रूम में चेक इन कर लिया है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा रूम कैसा है। ये हमारा बेडरूम है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब टिपिकल लद्दाखी स्टाइल का ये है, और हमारे खिड़की से व्यू देखो माउंटेंस, और सामने टिपिकली लद्दाखी घर हैं और होटल्स हैं दूसरे। यहाँ पर सिटिंग एरिया
अलग से सेंटर टेबल सोफ़ा, और यहाँ से ये विंडो से भी बहुत अच्छा व्यू है सामने। पहले हमने यहाँ पर मंगाई है लेमन टी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छी लेमन टी मिलती है, और अभी हम कुछ खाने के लिए भी मंगाएंगे बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है। हमने लास्ट एयरपोर्ट लाउंज में खाया था, उसके बाद से चार तीन घंटे हो गए आई गेस, और हमने अभी तक कुछ नहीं खाया, तो अभी हम कुछ खाना भी ऑर्डर करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ हम क्या ऑर्डर करेंगे। और ये हमारी लेमन टी आ गई है, देखते हैं कैसी है। और ये हमारा फर्स्ट टेस्ट ऑफ लेमन टी। चीयर्स। मजा आ गया। लद्दाख आवानू, लेमन टी पीवानू, अने पहाड़ जोवानू, मजा नहीं लाई। तो अभी हमने मंगाया है थुक्पा, ये एक ट्रेडिशनल लद्दाखी डिश है। बेसिकली ये नूडल सूप है एक, इसको आप सूप जैसे पी भी सकते हैं और नूडल्स खा भी सकते हैं। ये मेरा है, ये मेरी बहन का है, ये वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। पहले पी लेता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अमेजिंग। हमने थुक्पा के साथ फ्राइज भी मंगाए थे, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर हमारे पंजाबी में किसी को बोलेंगे इसका नाम थुक्पा है तो वो नाम सुन के ही नहीं खाने वाला है, बट जेन्युइनली ये इतना टेस्टी है, मतलब ये नूडल सूप है और अलग ही, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब सॉल्टी नहीं है ज़्यादा, एकदम लाइट है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अब मेरा लास्ट का थोड़ा सा सूप बच गया, तो मैं ये साइड पर रखकर अपना देसी स्टाइल यूज़ करता हूँ। मतलब ये कितना लाइट, हेल्दी और टेस्टी था, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप लद्दाख आ रहे हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिए।